विद्यालय खोरे की कंप्यूटर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल। आप सभी से अनुरोध है कि इस यूनिट को ध्यान से सुने, देखें व दिए गए नोट्स को अपनी कॉपी में नोट भी करें। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल। यूनिट 1, सबसे पहले कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है नोट्स में, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसकी कार्यविधि क्या है। तो शुरू करते हैं। द वर्ड कंप्यूटर केम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, अर्थात कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। इसका मतलब है गणना करना, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब होता है गणना करना। इसलिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक क्या है, कैलकुलेटिंग मशीन। क्या है? कैलकुलेटिंग मशीन। सिंपल अर्थों में कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पे दिखी बताई गई है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव द डिजायर्ड आउटपुट। अर्थात कंप्यूटर काम करने का तरीका जो है तीन भागों में बांटा है, चार भागों में। ये यूजर से इनपुट लेता है। इनपुट का मतलब यूजर क्या चाहता है। यूजर जो अपने कीबोर्ड से देता है इनपुट, उसको हम इनपुट बोलते हैं। दूसरा आता है प्रोसेस द डाटा, जो इनपुट देता है यूजर, इनपुट फीड देता है, उस पे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है और उसके इनपुट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या देता है, आउटपुट। तो कंप्यूटर का जो काम करने के तरीके हैं वो ये यहाँ पर बताए गए हैं। इनपुट लेता है नंबर 1, नंबर 2 प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, आउटपुट देता है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं मॉनिटर, ये सीपीयू, ये माउस और ये कीबोर्ड। इसके बाद बातें आगे करते हैं जनरेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आता है। जल्दी जल्दी इस जनरेशन का पार्ट को कवर करते हैं। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। कंप्यूटर जब स्टार्ट हुए तो उसको हमने फर्स्ट जनरेशन नाम दिया और इसका एक टाइम पीरियड बताया, 1942 से 1955 में। इस फर्स्ट पहले जनरेशन में उनकी मुख्य विशेषताएं कंप्यूटर की क्या थी। सबसे पहली विशेषता है कि उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज की गई। दूसरी विशेषता है उन कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत कम थी इसलिए साइज बड़ा था। नंबर 3 है कि उन कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, इसलिए पावर कंजम्पशन, ऊर्जा की खपत भी बहुत ज़्यादा थी। अगर पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो हार्डवेयर फेलोर भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि बहुत सारी ट्यूब यूज की गई। ट्यूब यूज होने से वो ट्यूब खराब भी होती थी, इसलिए पावर फेलोर भी ज़्यादा हुई और मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया। इस फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है यूनिवेक, एनवेक और एडवेक। इसी के साथ जब फर्स्ट जनरेशन में कुछ कमियां थी तो उससे अगली जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या किया गया, मुख्य विशेष बातें हैं, वैक्यूम ट्यूब हटाई, उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। मतलब वैक्यूम ट्यूब को बदल दिया हमने किससे, ट्रांजिस्टर से। नंबर 2, पहली जनरेशन में साइज हमारा बड़ा था, यहाँ पर दिखाया हुआ लिखा हुआ है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हमने ट्रांजिस्टर से बदल दिया, तो इससे क्या हो गया, हमारा साइज छोटा हो गया। कंप्यूटर फास्ट चलने लगे 10 टाइम। पहली जनरेशन में कंप्यूटर स्लो थे, दूसरी जनरेशन में कंप्यूटर फास्ट हो गए, सस्ते हो गए और पावर कंजम्पशन भी कम हो गई, ऊर्जा की जो खपत है वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो हम जनरेशन की अगर बात करें तो जनरेशन में अगर हम उच्च पीढ़ी में जाएंगे, स्पीड बढ़ेगी, साइज छोटा होगा और पावर कंजन कंजप्शन भी क्या होगी, हमारी कम होगी। सेकेंड जनरेशन में जो भाषा का प्रयोग किया गया, वो भाषा है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल यूनिवेक, आईबीएम, ये उसके एग्जाम्पल है। लेकिन सेकेंड जनरेशन में भी कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ,
थर्ड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से बदला, और तीसरी जनरेशन ने ट्रांजिस्टर को भी बदल दिया। किससे? हमने आईसी से, आईसी से हमने उसको बदल दिया, और कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, फास्ट हो गई सेकेंड जनरेशन से, सस्ते भी हो गए, ऊर्जा की खपत कम हो गई, विश्वसनीय हो गई। विश्वसनीय की बात करें, जैसे ही हमने आईसी का प्रयोग किया, हमारे हार्डवेयर फेलोर को कहते हैं कंप्यूटर खराब होना किसी भी सेंस में, वो कम हो गई। कंप्यूटर कम खराब होंगे तो कंप्यूटर काम ज्यादा करेंगे, और वो क्या हो जाएंगे? विश्वसनीय, मच इजियर टू प्रोग्राम। और उसका एग्जाम्पल भी हमें दिया है आईबीएम 360 और आईबीएम 1900। इसी के साथ थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन और एडवांस है, इसमें आईसी को हमने वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से बदल दिया, कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन सॉरी थर्ड जनरेशन से फास्ट हो गई, यहाँ पर थर्ड जनरेशन लिखना आएगा, चिप पर सस्ते हो गए, पावर कंजप्शन तो बहुत ही बहुत कम हो गई सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा। इसके बाद फोर्थ जनरेशन में और क्या क्या चीज़ें एडवांस हुई उसका भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फोर्थ जनरेशन में मोर रिलायबल देन सेकेंड थर्ड जनरेशन, विश्वसनीय और हो गई, प्रोग्राम करना आसान हो गया, जीयूआई ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया गया, और माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग किया गया। एप्पल सेकेंड और क्रे इसका फोर्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन में सिस्टम थर्ड जनरेशन से फास्ट हो गए, सस्ते हो गए, पावर कंजप्शन कम हो गई, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, मेन मेन पॉइंट है। लेकिन जनरेशन में कुछ ना कुछ सुधार होते हैं, उसी सुधार के क्रम में फिफ्थ जनरेशन आया। फिफ्थ जनरेशन में हमने क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया, कंप्यूटर का साइज बिल्कुल छोटा हो गया, चौथी जनरेशन से वो ज़्यादा तेज हो गए, सस्ते हो गए, इफिशियंट हो गए, काम करने की क्षमता बढ़ गई, पावर कंजम्पशन की बात करें तो बहुत ही कम हो गई। फिफ्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन की बात करें तो हमारा पीसी लैपटॉप ही इसमें आते हैं, और मच इजियर टू प्रोग्राम हो गई। फर्म 1000 भारत का सुपर कंप्यूटर है आईबीएम, ये भी फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है। तो ये सभी जनरेशन के एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल के में हम अगर मोटी मोटी बातों को यहाँ पर नोट करें तो पॉइंट नंबर एक आता है कि किसी भी जनरेशन में फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, मतलब साइज की बात करें तो साइज क्या हुए हैं, स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हुई है, सॉरी अगर हम एनर्जी की उसकी बात करें साइज की, तो साइज हमारा घटा है इस डायरेक्शन में, इसका साइज बड़ा है फर्स्ट जनरेशन का, फिर सेकेंड जनरेशन का साइज, फर्स्ट जनरेशन का साइज है फिर उससे बड़ा, फिर सेकेंड जनरेशन का साइज है, फिर थर्ड जनरेशन का साइज है, फिर फोर्थ जनरेशन का साइज है, और फिर फिफ्थ जनरेशन का साइज है। मतलब जनरेशन की साइज की बात करें तो पांचवी जनरेशन का साइज सबसे कम है। स्पीड की बात करें तो पांचवी जनरेशन की स्पीड सबसे ज़्यादा है, फिर फोर्थ जनरेशन की स्पीड है, फिर थर्ड की, फिर सेकेंड की, और फिर वन की, मतलब पांचवी जनरेशन की स्पीड सबसे ज़्यादा है, फिर फोर्थ जनरेशन की, थर्ड की, सेकेंड की, वन। अगर हम ऊर्जा की खपत पावर एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में पावर जो खपत है सबसे कम है, फोर्थ में उससे ज़्यादा, थर्ड में उससे ज़्यादा, सेकेंड में उससे ज़्यादा, और वन जनरेशन में सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन हमारी हुई है। एक बार मोटी मोटी बातें इस जनरेशन में हम अगर डिस्कस करें तो हमारे सामने जो आती है वो मेन बातें, नंबर एक है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुए, थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज हुआ, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, और फिफ्थ जनरेशन में एआई का प्रयोग हुआ। एआई का प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है माइक्रो का निशान, पी माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। तो ये हमारे मोटे मोटे पॉइंट है कि इन जनरेशन में हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की। इसी के साथ अगर हम अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ कुछ बातें करते हैं,
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये हमारे पास पॉइंट है। नंबर पहला पॉइंट आता है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये गणना बहुत तेजी से कर सकता है। पॉइंट नंबर दो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता या शुद्धता। कंप्यूटर जो भी काम करता है वो बहुत सटीक तरीके से करता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसकी सटीकता एक्यूरेसी यूजर के ऊपर डिपेंड होती है, यूजर के प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड होती है। अपना आउटपुट यूजर के प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही वो देखगा। पॉइंट नंबर तीन होता है स्वचालन, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन है, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ऑटोमेटिक मशीन है। वो एक बार एक प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो उस काम को जब तक करते रहते हैं जब तक कि वो काम खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल ले, अगर हम प्रिंटर में एक कमांड देते हैं, एक पेज किसी पेज की कमांड देते हैं 100 बार, तो 100 बार पेज निकलेंगे जब तक, प्रिंट आउट निकलते रहेंगे जब तक कि हमारे पेज नंबर ऑफ पेज कहाँ तक नहीं पहुँच जाए 100 तक। ये होता है ऑटोमेटिक। इसके बाद अगर बात करें डिलीजेंस, कर्मठता, कंप्यूटर कभी भी थकान नहीं मांगता। आदमी की तरह कंप्यूटर थकान नहीं मांगता, ही नेवर गेट टायर्ड। और स्टोरेज, कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता भी वो ज़्यादा होती है। और दो तीन मिनट वन मिनट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में भी आता है और इसको अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। मेमोरी कैपेसिटी, अगर आदमी अगर मानव की कंप्यूटर से तुलना करें तो कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। उसकी रिकॉल कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, वो पीछे के डाटा को भी रिकॉल कर सकता है, पीछे की अपनी बातों को भी याद कर सकता है, ढूंढ सकता है। नो फीलिंग, कंप्यूटर के अंदर कोई भी भावना ही नहीं होती, वो फीलिंग लेस है। वर्सेलिटी का मतलब होता है विविधता, एक ही टाइम पर बहुत से यूजर काम कर सकते हैं। तो ये इसके मोटे मोटे पॉइंट्स है एडवांटेज का। इसके बाद हर सिस्टम के एडवांटेज के साथ उसके डिसएडवांटेज भी होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार इसके डिसएडवांटेज भी है। तो लेजीनेस, कंप्यूटर आने से आदमी बहुत लेजी हो गया, काम करने की क्षमता उसकी घट गई। जहाँ एक आदमी कुछ काम करता था अब उसकी जगह कंप्यूटर काम करता है और कंप्यूटर जिससे आदमी हो गया लेजी। वेस्टेज ऑफ टाइम, एक्स्ट्रा इनोवेटिव एक्टिविटी करने से आदमी अपने समय की बर्बादी करता है। एग्जाम्पल ले, पबजी गेम खेलते हैं बच्चे या बहुत सी साइटों को विजिट करते हैं जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है। नंबर तीन बात करें डिस्टर्बेंस इन मेल, समय पर खाना ना खाने पर भी शारीरिक रोग होते हैं, स्वास्थ्य समस्या पैदा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले, बैड पोस्चर, गलत तरीके से बैठना, सिर में दर्द, आंखों में प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, ये सभी समस्याएं कंप्यूटर के कारण भी हैं, इसकी कमियां हैं। साइबर क्राइम एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज का इशू है, साइबर क्राइम। इससे मतलब क्या होता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उससे साइबर अटैक का खतरा बढ़ा है। साइबर अटैक की बात करें कि कई बार आपने सुना होगा कि किसी के बैंक में से पैसे निकल गए, खाते में से पैसे निकल गए, ये सभी क्या है, साइबर अटैक। कोई अनजान आदमी आपसे कहता है कि आपके एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, आप अपने पिन नंबर बताइए, और आप पिन नंबर बताते हैं और कुछ ही समय में आपके पैसे गायब। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइबर अटैक। तो ये टॉपिक था हमारा, कंप्यूटर क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उसकी जनरेशन के बारे में क्या है। इसके बाद बात हम करते हैं डिवाइसेस की, बात करें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो ये इनपुट डिवाइस क्या होती है, यूजर जिन डिवाइस से इनपुट देता है उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जांपल अगर आप मोबाइल फोन की बात करें तो आप अपने मोबाइल फोन में कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस। आप स्पीकर से बोलते हैं तो दिस इज द इनपुट डिवाइस। और कहने का मतलब है कि यूजर की द डिवाइस यूज फॉर एंटरिंग डाटा इन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। दिस डिवाइसेस रिसीव इंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफर देम इन टू फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक ऐसे सिग्नल में बदल देती है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड की अगर हम विस्तृत चर्चा करने बैठे हैं तो कीबोर्ड में मेन मेन जो फंक्शन की होती है वो हमारे पास है न्यूमेरिक की, फंक्शन की, कंट्रोल की, सुपर की। इनका डिटेल स्टडी की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है, इसमें हम आगे चलते हैं। माउस, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ये माउस में भी दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, एक लेफ्ट ऑपरेशन, एक राइट ऑपरेशन। लेफ्ट और माउस के तीन प्रकार के टाइप भी होती है। मैकेनिकल माउस होते हैं जो पहले पुराने जमाने में होते थे, जिनके बीच में एक बॉल लगी होती थी
और ऑप्टिकल माउस जो आजकल हम यूज करते हैं, और ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस जो दोनों से मिलके होते हैं, और अब आजकल जो नए माउस हैं उसको बोलते हैं वाईफाई माउस, जो बिना वायरलेस होते हैं, मतलब उनमें वायर नहीं होती। और माउस के ऑपरेशन भी दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट और राइट माउस ऑपरेशन। इसी के साथ हम अपने यूनिट को करते हैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहे, सावधान रहे और अपने टॉपिक को कवर करें।